हेलो दोस्तों, मैं शिवांग भारद आज एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक फॉर्म पावर की वीडियो, जो कि हमारी शीतनल प्रणाली यानी कूलिंग सिस्टम की वीडियो है। पुरानी वीडियो में मैंने आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम, कार्बोरेटर सिस्टम और काफ़ी सारे और फॉर्म पावर के टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाकी जो भी मेरे YouTube चैनल के नए व्यूअर हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे मैं और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ शीतलन प्रणाली, जो कि कूलिंग सिस्टम है। इसे मैंने शॉर्ट कट में आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ऑप्टिकल टाइम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट से ही हमें पढ़ने में फ़ायदा मिलता है। चलिए बात करते हैं शीतलन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी मशीन जब हमारी वर्क करती है, कार्य करती है, तो उसमें हीट पैदा होती है। हीट पैदा होती है तो वो गर्म मशीन जब गर्म पड़ती है तो उसके पुर्जे सही से काम करना बंद कर देते हैं, तो इसीलिए शीतलन की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंजन की को ठीक से कार्य करने के लिए 140 डिग्री से 200 डिग्री फारेनहाइट तक ताप चाहिए, जबकि दहन के दौरान सिलेंडर का तापक्रम 4000 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है। दहन से उत्पन्न ऊष्मा का केवल 25 से 35% ही यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, अतः शेष ऊष्मा को ठंडा करने के लिए शीतलन जरूरी है। दोस्तों, अगर हम जैसे इंजन को शीतलन नहीं देते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाएगा और इतना ही ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा, तो इंजन के फटने का डर रहता है, इसलिए शीतलन हमें दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, शीतलन का प्रयोग ना करने पर निम्न हानियाँ होती हैं। नंबर एक, ईंधन का पूर्व दहन हो सकता है। नंबर दो, स्नेहक का स्नेहन गुण समाप्त हो जाता है। नंबर तीन, ताप अधिक होने से पिस्टन का प्रसार होता है, जिससे वह सही से नहीं चल पाता है, क्योंकि हमारी जो पिस्टन होती है वो सिलेंडर के अंदर होती है, सिलेंडर का एक निश्चित आयतन होता है और पिस्टन का भी एक निश्चित आयतन उसे सिलेंडर के अनुसार होता है। अतः पिस्टन अगर फैलेगी, साइज पिस्टन का बड़ा होगा, तो वो सिलेंडर के अंदर सही से नहीं चल पाएगी। नंबर चार, स्पार्क प्लग की पोर्सिलिन टूट सकती है। नंबर पाँच, बॉल्व स्प्रिंग टूट सकती है। तो ये हमारा था शीतलन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अब हम बात करते हैं शीतलन की विधियों के बारे में। तो अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग तरह के इंजन और ट्रैक्टर्स में अलग अलग तरह की शीतलन प्रणाली यूज में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। तो बात करते हैं शीतलन प्रणाली की मुख्यतः तीन विधियां हैं। नंबर एक, हवा द्वारा शीतलन यानी कि वाई एयर कूलिंग। नंबर दो, जल द्वारा शीतलन यानी वाई वाटर कूलिंग। नंबर तीन, हवा व जल द्वारा यानी वाई एयर एंड वाटर बोथ। अब बात करते हैं हवा द्वारा शीतलन। तो इस विधि में इंजन के कार्य करने वाले भागों से ऊष्मा हवा के द्वारा वायुमंडल में विस्थापित कर ली जाती है। इसमें सिलेंडर की बाहरी दीवारों पर फिन्स निकलते हैं। इन फिन्स के कारण सिलेंडर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इंजन के गतिपालक पहिए पर पंखे लगाकर हवा का प्रवाह किया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी एयर कूलिंग सिस्टम है, उसमें हमारे सिलेंडर पे जो फिन्स निकाले जाते हैं, उनसे हमारा सिलेंडर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कि वायु को, हवा को ऊष्मा ऑब्जर्व करने के लिए ज़्यादा क्षेत्र मिल जाता है। तो इस पर पंखे द्वारा हवा का प्रभाव किया जाता है, जो इसमें से ऊष्मा को वातावरण में फैलाता रहता है। T25 तथा आयसर ट्रैक्टरों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो, बात करते हैं जल द्वारा शीतलन। इसमें पानी से भरा हुआ हापर तथा जैकेट लगा होता है, जो सिलेंडर को चारों ओर से घेरे रहता है। इंजन के चलने पर पानी गर्म होता है तथा उबलने लगता है। उबलने पर इस पानी को बदल देते हैं। हापर में उतना पानी रहता है कि इंजन कई घंटे तक बिना पानी बदले चलता रहता है। इसका प्रयोग एक सिलेंडर वाले स्थिर इंजन में किया जाता है, जबकि सिलेंडर की दिशा क्षैतिज हो। तो इसमें जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के चारों तरफ एक हॉपर
तथा जैकेट होती है बनी हुई, उसमें हम ठंडा पानी भर देते हैं। जब हमारा सिलेंडर इंजन चलता है तो वो पानी गर्म होने लगता है, पानी गर्म होकर इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो उबलने लगता है, तब इस पानी को निकाल कर दिया जाता है तथा इसमें पुनः से ठंडा पानी भर दिया जाता है। इस तरह से शीतलन होता रहता है। नंबर 3, जल व हवा द्वारा शीतलन। इसमें दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1, थर्मोसाइफन विधि। नंबर 2, फोर्स सर्कुलेशन विधि। नंबर 1 पे थर्मोसाइफन विधि। इसमें सिलेंडर के ऊपर जैकेट रेडिएटर व रेडिएटर को जोड़ने वाले दो पाइप होते हैं, यानी इसके अंदर इसमें सिलेंडर के ऊपर 3 इक्विपमेंट होते हैं, जैकेट होता है, रेडिएटर होता है, 2 इक्विपमेंट होते हैं जैकेट व रेडिएटर होता है, तथा सिलेंडर और रेडिएटर को जोड़ने वाली एक 2 पाइप होती हैं। जब जैकेट में पानी गर्म होता है तो ये ऊपर उठता है व पाइप से रेडिएटर में जाता है, जहाँ ये ठंडा होकर नीचे वाले पाइप से पुनः जैकेट में आ जाता है। तो दोस्तों ये थर्मोसाइफन विधि थी जिसमें रेडिएटर का यूज होता है। अब बात करते हैं फोर्स फीड सर्कुलेशन विधि। ये एक प्रभावशाली विधि है। इसमें रेडिएटर, जैकेट, 2 पाइप, 1 जल पंप तथा 1 थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए, थर्मोस्टेट वाल्व अल्कोहल या ईथर से भरा हुआ वेफर आकार का सेल की तरह का होता है, जो तापक्रम बढ़ाने से फैलता है। साधारणतः थर्मोस्टेट 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलना शुरू होता है और 80 डिग्री तक पूरा खुल जाता है। ये 2 प्रकार से कार्य करता है। प्रथम, जैकेट के जल का ताप एक निश्चित ताप तक पहुंचने से पहले ये रेडिएटर के इनलेट पाइप को बंद रखता है। जब जल का ताप उस निश्चित बिंदु तक पहुंच जाता है तो फैलकर इनलेट पाइप में लगे वाल्व को खोल देता है, जिससे पानी का परिसंचरण पुनः शुरू हो जाता है। दूसरी विधि में ये रेडिएटर के इनलेट पाइप पर लगे वाल्व को बंद कर देता है, जिससे जल चेक वाल्व से होकर जल पंप के इनलेट की ओर जाने लगता है। जब जैकेट के जल का ताप निश्चित ताप से अधिक होने लगता है तो ये पानी को रेडिएटर की ओर जाने देता है और चेक वाल्व बंद हो जाता है। तो इसके बारे में हम जैसे बता रहे हैं कि थर्मोस्टेट जिसमें हम रेडिएटर द्वारा जो कूलिंग सिस्टम करते हैं उसमें थर्मोस्टेट वाल्व का, जो मैंने बताया फोर्स फीड सर्कुलेशन में थर्मोस्टेट वाल्व का यूज होता है। तो ये ईथर या अल्कोहल से भरा हुआ एक वाल्व होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री पर खुलता है, तो हमारा आंसर होता है थर्मोस्टेट वाल्व 75 डिग्री सेंटीग्रेड से खुलना शुरू होता है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूरा खुल जाता है। अब ये थर्मोस्टेट वाल्व कार्य कैसे करता है, तो इसका प्रथम कार्य ये है कि जैकेट के जल का ताप एक निश्चित ताप पर पहुंचने पर रेडिएटर के इनलेट पाइप को बंद कर देता है। यानी कि जो हमारे जैकेट में पानी भरा रहता है, रेडिएटर उसके एक निश्चित ताप पर पानी का पहुंच जाता है, तो उसमें से रेडिएटर में पानी जाने के लिए वाल्व बंद कर देता है, पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि रेडिएटर में पानी जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारे जैकेट में ठंडा पानी आ जाता है। और ये जब हमारा पानी जैकेट का पानी गर्म हो जाता है तो ये पुनः गर्म होकर फैल जाता है और खुल जाता है, जिससे हमारा जैकेट का पानी रेडिएटर में जाने लगता है और रेडिएटर से ये पुनः पानी ठंडा होकर इसके इनलेट के द्वारा पुनः जैकेट में आने लगता है। तो दोस्तों ये थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य और थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में संक्षेप में था। अब बात करते हैं हम रेडिएटर की। रेडिएटर में ऊपर व नीचे 2 टंकियां होती हैं, जो कि आपस में बारीक बारीक नलियों से जुड़ी रहती हैं। ऊपर की टंकी का गर्म पानी इन बारीक नालियों ऊपर की टंकी का गर्म पानी इन बारीक नालियों में से होकर गुजरता है और ठंडा होकर नीचे की टंकी में पहुंच जाता है। इन नालियों में बाहर की ओर पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। ये पंखुड़ी तथा नालियाँ पीतल तथा तांबे की बनी होती हैं, क्योंकि इन धातुओं में ऊष्मा विस्थापन जल्दी होता है।
इनके पीछे एक पंखा लगा होता है जो वायु को इसके बीच से खींचता है, इस तरह पानी ठंडा होता रहता है। दोस्तों जो हमारा रेडिएटर होता है ये एक दो टंकियों का मिला हुआ होता है, जिसमें ऊपर एक गर्म टंकी होती है जिसमें गर्म पानी आता है तथा नीचे एक टंकी होती है जिससे ठंडा पानी होकर हमारे जैकेट में पहुंचता है। और ये दोनों टंकियां आपस में बारीक बारीक नालियों जो एक जाली जैसे टाइप से जुड़ी रहती हैं। जब हमारा ऊपर की टंकी का गर्म पानी इन बारीक नालियों या जालियों में से होता हुआ नीचे की टंकी की तरफ चलता है, तो पंखे द्वारा जब इसमें से हवा गुजारी जाती है तो वायुमंडलीय हवा के संपर्क में आने से ये पानी ठंडा होता रहता है, और जब तक ये नीचे की टंकी में पहुंचता है तब तक ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। इस तरह से ये नीचे की टंकी में जाने के बाद ठंडा पानी जैकेट में पहुँचता है, जैकेट से ये पुनः वही थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा पुनः ये गर्म होके थर्मोस्टेट वाल्व के ओपन होके जैक रेडिएटर के ऊपर वाले टंकी में पहुंच जाता है। इस तरह इसमें बार बार पानी भरने की समस्या नहीं होती है। अब बात करते हैं इंजन अधिक गर्म होने के क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि हमारा शीतलन प्रणाली अगर सही से कार्य नहीं कर रही होती है तो इंजन अधिक गर्म होने लगता है, तो इसमें हमारे शीतलन प्रणाली में क्या दोष हो सकते हैं जिससे कि इंजन अधिक गर्म होता है। तो नंबर एक, थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा इनलेट वाल्व का ना खुलना जिससे कि उसमें ठंडा पानी सही से नहीं पहुँच पाता है। रेडिएटर में पानी की कमी, रेडिएटर की नालियों का बंद होना, जल पंप खराब होना, वी बेल्ट ढीला होना जिससे पंखा सही से नहीं चलता है, पंखे के ब्लोडों का असंतुलित होना, रेडिएटर का आगे का शटर बंद होना, इंजन जैकेट पर जंग लगना तथा तलछट जमा होना। तो दोस्तों ये मैंने आपको शीतलन प्रणाली क्या होती है, शीतलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शीतलन प्रणाली की विधियाँ, थर्मोस्टेट वाल्व और रेडिएटर आदि के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियो में मैं आपको स्नेहन प्रणाली लुब्रिकेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में लिख रखा है, काफ़ी उसके जो विधियाँ हैं वो लिख रखी हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है ये लिख रखा है, ये आपके लिए नोट्स मैंने तैयार कर रखा है। तो मेरी आने वाली वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।